हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज फिर से मैं एक नए घर में आ गया हूं और देखिए कितने सुंदर सुंदर जीनिया के फूल इस घर में खिले हुए हैं और तितली भी उसके ऊपर मंडरा रही है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस घर में फूलों का। और ये जो जीनिया के फूल हैं वो लगे हुए हैं एक बेड में। दोस्तों, यहाँ पर छत के ऊपर किनारे किनारे से ईंटों से इस तरीके से एक बेड बना दिया गया और उसी बेड में लगा दिया जीनिया के और गुड़हल के सुंदर सुंदर फूल। तो जिन्होंने इस बेड को बनाया, जो इस गार्डनिंग को करती हैं, चलिए सीधे सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिनके यहाँ पर आए हैं तो सामने ही खड़ी हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे घर पे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सपना राय। सपना राय, तो सपना जी, आप रहते कहाँ पर हैं? रामबाग उत्तराखंड में। रामबाग उत्तराखंड से हैं। और ये इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर जीनिया के फूल वगैरह लगे रखे हैं आपने, लगभग कितना पहले आपने ये सारा चीज़ लगाया था? ये 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले। और ये जो लगा रखा है आपने, एक बेड में लगा रखा है, बहुत अच्छा सा बेड बनाया है ईंटों का। और ये बेड लगभग कितने पहले आपने बनवाया था? बनाने के बाद ही लगा दिया मिट्टी पर। अच्छा, मतलब इसको भी वही 4 महीने के लगभग हुआ है। तो इसको किसने बनवाया घर में, किसकी इच्छा थी? अच्छा, घर वालों ने ही बनवा करके दिया। तो आपने कहा था या उन्होंने ही बनवाया अपने आइडिया से? मैं फूल का पौधा लगाना चाहती थी तो मेरे पति ने ही बनवा दिए। अच्छा, उन्होंने ही बनाया, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया। और इसमें जो है कोई मेरे ख्याल से दिक्कत भी नहीं होती, परेशानी के गमले में जैसे बार बार चेंज करना या कई बार गमले टूटने का डर रहता है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये जो जीनिया के फूल खिल रहे हैं, तो एक ही बार आपने लगाया और उसी में ही फूल खिल रहे हैं? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और बीच बीच में आपने क्या ये गुड़हल कब लगाया है? ये बीच बीच में लगवा दिया, जब कोई भी पौधा मिला तो उससे कटिंग बना के लगा। सब कटिंग का ही है यहाँ पर। और यहाँ पर इस बेड में जो आपने मिट्टी बनाया है, तो मिट्टी में इसमें क्या क्या डाला? इसमें गोबर का खाद और मिट्टी। अच्छा, गोबर की खाद डाली आपने और मिट्टी है। हाँ। और रेत वगैरह का कुछ यूज किया है? डाल दिया। रेत भी डाल दिया आपने। तो रेत, मिट्टी और गोबर की खाद का यूज किया। हाँ। और अभी कुछ इसमें और दे रहे हैं कोई खाद के रूप में, कोई भी चीज? नहीं, बस किचन का सामान ही डाल रही हूँ। अच्छा, बस किचन का जो भी वेस्ट है तो उसी का लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके डाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो चलिए, अब आपका पूरा गार्डन जो है घूमते हैं और उसी को देखते हैं। तो आपने इतना टाइम दिया हमारी बगिया यूट्यूब में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद हमारे घर पे आए। दोस्तों, रामबाग गांव में जो ये बगीचा आप देख रहे हैं, जिसको कि सपना जी ने अपने हाथों से तैयार किया है, एक एक पौधे को लगाया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जब वो इस घर में आई थी दुल्हन बनके, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फूल वगैरह लगाने का कोई रिवाज इस घर में नहीं था, लेकिन उनको बहुत शौक़ था। तो उन्होंने जो है पहले पहल जो घर के पुराने डिब्बे वगैरह हैं या जो कट्टे हैं, तो उनमें फूलों को लगाना शुरू किया और फिर उसके बाद एक दो गमले में भी लगाना शुरू किया। सपना जी के गार्डनिंग के प्रति इस चाहत को देख करके उनके जो पतिदेव हैं, तो उन्होंने एक बेड उनके लिए बनवा दिया जो कि ईंटों से बनाया गया। तो बहुत ही अच्छी तरीके से अब इसमें ये फूल लग रहे हैं और इसको बनाने के बाद जो मेहनत है वो भी अब कम होती है और जो फूल हैं वो भी बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं। दोस्तों, लगभग 4 महीने पहले ये जो फूल यहाँ देख रहे हैं जीनिया के, तो ये इस बेड में लगाए गए थे। जब बेड उनका बन करके तैयार हुआ, ठीक उसी वक्त इसको लगाया गया। और तब से जो है 1-1.5 महीने बाद से जब फूल खिलना शुरू हुआ, तो लगातार उसके बाद ये फूल आते जा रहे हैं। दोस्तों, जीनिया एक ऐसा फूल है जो
बहुत लंबे समय तक खिलता रहता है। आप इसको मार्च के लगभग इसके बीच से लगा सकते हैं और उसके बाद ये फ्लावरिंग करता हुआ जाता है। और पौधे अगर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसमें जो बीज पक जाते हैं तो उन बीजों को आप दोबारा लगा सकते हैं, तो उससे जो है नए पौधे दोबारा से तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो पूरी गर्मी है, बरसात है, तो उसमें ये फूल चलते रहते हैं। और इस समय जबकि बारिश भी ख़त्म हो चुकी है, अब भी जो है जीनिया बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और नर्सरी में भी इस समय आपको जीनिया के नए नए पौधे तैयार मिल जाएंगे। केवल जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उस समय जो है जीनिया के ये फूल सूख जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, तो उसके बाद दोबारा से फिर हमें मार्च में इसको लगाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जीनिया में आपको लाल, पीले, गुलाबी और जो पर्पल कलर है, सभी शेड में फ्लावर्स मिल जाएंगे। और ये जो है एक ही पौधे में कई बार ऐसा होता है कि फ्लावरिंग की जो डिज़ाइन है अलग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि पेटल्स एक जगह खुले खुले हैं तो दूसरी जगह भरे हुए हैं, जबकि ये एक ही पौधा है तो अलग अलग ब्रांच में इस तरह से इसमें हो जाती हैं। और कई बार तो जब एक साथ अलग अलग कलर के होते हैं पौधे लगे हुए तो कलर भी चेंज हो जाता है। एक फूल का कलर कुछ दूसरा रहता है, उसी के दूसरे ब्रांच में जो कलर है किसी में हल्का होता है तो किसी में बहुत ज़्यादा डार्क होता है। कहीं पेटल्स बहुत खुले होते हैं तो कहीं पर बहुत घने होते हैं। देखिए इस तरह से इस बेड में लगा दिया गया है इस पौधे को, और मिट्टी का ज़्यादा यूज़ किया है यहाँ पर इन्होंने। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है मिट्टी, रेत और जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, तीनों को बराबर लगभग मिला करके बेड में डालें। अगर मिट्टी आपकी रेतीली है तो ऐसे में फिर रेत की मात्रा आप कम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल मिट्टी है तो आप ये तीनों लगभग बराबर डालें। दोस्तों, जो ये बेड है तो इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। देखिए नीचे जो है दो ईंटें लगा दी गई है और उसी के ऊपर जो स्लिप है वो डाला गया है। दोस्तों, ये जो स्लिप है, छोटे छोटे स्लिप पहले तैयार कर लिए गए, जो सरिया है और सीमेंट और रेत मिला करके जो है इसको तैयार किया गया और उसको जो है ईंटों के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर फिर जो है इसमें चुनाई कर दी गई। दोस्तों, जो बेड बनाया गया तो नीचे से पाइप इस तरह से लगा दिया जिससे कि पानी की निकासी हो सके। तो जो बिजली फिटिंग के पाइप होते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े जो है कुछ कुछ दूरी पर, लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पर ये पाइप लगा दिए गए। तो इस तरीके से पाइप लगाने से जो ओवर वाटर होता है तो वो यहाँ से अच्छे से निकल जाता है। और दोस्तों, देखिए किस तरह से ये स्लिप डाला गया है, और ये पूरा लंबाई में एक स्लिप नहीं है बल्कि कई टुकड़े हैं जिनको कि इस तरह से ईंटों के ऊपर रख दिया और दो ईंट जो है लगा दिए दोनों तरफ से। इनके चौड़ाई भी जो है 2 ईंट के बराबर ही होगी। तो बेड की जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, तो 1.5 फीट अगर होता है तो अच्छा साइज़ माना जाता है, या आप 1.5 फीट की चौड़ाई और हाइट में 2 फीट की हाइट ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा बेड आपका बन जाता है। और इस बेड को हमेशा कोशिश कीजिए कि जहाँ से दीवार गई है तो उसी के ऊपर ऊपर से बनाया जाए ताकि जो लोड है वो दीवार पर पड़े। दोस्तों, बेड तैयार होने के बाद जो बेड के अंदर पहली लेयर लगानी है वो लगाना है जो ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उनको आप अंदर डाल दें। या इसके अलावा आप बजरी भी डाल सकते हैं, बड़े बड़े जो बजरी होती है उसको, और चाहे तो आप जो कोयला है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुछ कोयले वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये सब डालने का मकसद एक ही होता है कि नीचे जो पानी आता है तो इस सब से छन करके पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो पाइप से निकल जाए। तो नीचे इस लेयर को कितना हाइट पर लगाना है, तो जितने नीचे आपने पाइप लगाया है तो पाइप आपका कवर हो जाए, तो पाइप के लेयर तक आपको लगाना है ताकि वो जो पानी है वो पाइप से होते हुए निकल जाए। और अगर डायरेक्ट आप वहाँ पर मिट्टी डालते हैं तो पाइप जो है उस मिट्टी से भर जाता है, फिर पानी की निकासी में भी
प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, इस लेयर को भरने के बाद तब आप जो मिट्टी है, जो रेत है, और इसके अलावा जो आपका गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है और कोई भी चीज़ है, आप उसमें डाल सकते हैं। चाहे तो सरसों की खली जो है उसका चूरा बना करके उस मिट्टी में मिला करके, और उससे आप उस बेड को कवर कर सकती हैं। और चाहे तो जो जो राइस हस्क होता है तो उसका यूज़ भी आप इसमें कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो आपकी मिट्टी है वो बहुत ही हल्की होनी चाहिए और भुरभुरी रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस सब के अलावा भी टिन के अंदर कितने सुंदर सुंदर पौधे लगा दिए गए हैं। मिर्च बहुत अच्छे हो रहे हैं इनमें, डिब्बों में, और बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया गया, बस थोड़ी से गोबर की खाद और जो मिट्टी है वही इसमें भरा गया। और गांव में अक्सर यही होता है कि गोबर की खाद और मिट्टी इसी को मिला करके ही लगा दिया जाता है, और उसी में ही जो है इतने अच्छे अच्छे जो फ्लावरिंग है वो होती है, सब्जियां होती है, बहुत अच्छा लगता है छत पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी पुराने जो पीपा है उसका भी यूज़ किया गया, पुराने टिन का जो डिब्बा है उसका यूज़ किया गया पौधों को लगाने में। और देखिए गुड़हल का जो पौधा है कितने अच्छे से यहाँ पर हो रहा है और फूल भी इसके अंदर खिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पुराने किसी भी डिब्बे में थोड़ा सा पेंट कर देंगे, और ख़ास तौर से जो टिन वाले डिब्बे होते हैं तो वो जो है इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, अगर डायरेक्ट उसमें आप लगा देंगे तो पानी से जो है बहुत जल्दी उसमें जंग आ जाता है और तली से फिर ख़राब होने लगता है। तो अच्छा यही है कि आप उसको अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से पेंट करके ही लगाएं। और जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं तो उसमें जो है आप केवल बाहर बाहर से पेंट कर दें तो उसमें बहुत अच्छे से चलेंगे। दोस्तों, अगर प्लास्टिक के आप डिब्बे में या गमले में लगाते हैं तो नीचे कम से कम 7-8 होल कर दें और उसके ऊपर बजरी की एक लेयर बिछा दें और उसके ऊपर फिर सॉइल मिक्स बना करके ही अपने पौधों को लगाएं। इससे पानी की निकासी भी अच्छी होगी और पौधों को भी ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का भी एक पौधा इस गमले में लगा दिया गया है। और पुराने पुराने जो भी हांडी है या पुराने जग है, प्लास्टिक के जो भी डिब्बे हैं, तो सभी का यूज़ इन्होंने पौधों को लगाने में किया है। तो उम्मीद है दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने घर में इन पौधों को लगाएंगे और अपने घर के जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उन सब का यूज़ गार्डनिंग में करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, हर बार की तरह आज का ये एपिसोड भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जो बेड बनाने की तकनीक है, बेड को फिलिंग करने की तकनीक है, तो सभी चीज़ें आपने अच्छे से जान ली होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।